नमस्कार दोस्तों, ऐसी मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है कि आप सब सुखी हों, स्वस्थ हों, मस्त हों और मजे में हों। आज मैं आपकी सेवा में एक नया वीडियो लेकर हाजिर हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे विनम्र विनती है कि अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर देना और मेरा वीडियो लाइक व शेयर कर देना। आज पूरा दिन बहुत व्यस्त रहा, बहुत बिजी शेड्यूल था और ज्यादातर कुंडलियां केतु से प्रभावित जातकों की ही देखी। जिस भाव में केतु विराजमान थे, जातक को उन भाव की जो वस्तुएं थी, जो रिश्तेदार थे, उनके प्रति उनके मन में एक अलग सी ही बेचैनी देखी। बिना मतलब से दुखी होने वाली बात देखी। बिना कारण के मानसिक चिंता, तो उसी के ऊपर ये एक वीडियो बनाने जा रहा हूं ताकि आप सब इसका फायदा उठा सको। अपने जो आपकी डेली लाइफ है, प्रैक्टिकली इसका इस्तेमाल करकर इसका लाभ उठा सको। देखिए, जो केतु है, कई वीडियो में मैंने बताया है कि इसका सिर नहीं है, केवल धड़ है, यानी केवल दिल है और ये एक राक्षस ग्रह है, यानी डीएनए जो है इसमें, जो तासीर है इसकी, इसके दिल की, वो तो भाई राक्षसों के जैसी ही है। इसलिए ये केवल दिल है, तो जिस भाव में विराजमान हो गया, उस भाव से संबंधित वस्तुओं और रिश्तेदारों के बारे में दिल लगी ही करता है। जानी राहु की तरह एकदम झटका नहीं देता, जैसे पुराने जमाने में एक ढंग हुआ करता था। अब भी एक ढंग है कि किसी ने कोई मुर्जिम हो, कोई अपराध किया हो, हाई रैंक का ऑफिसर हो, उसकी मार कुटाई नहीं करते। पहले उसे बहुत स्वादिष्ट भोजन जिसमें मिर्चों अधिक होती हैं, वो खिला देते हैं। जब उसको फिर प्यास लगती है, मिर्चें लगती हैं, फिर उसको पानी दिखाते हैं, देते नहीं हैं, दिखाते हैं, फिर वो पानी के पीछे दौड़ता है। जितना वो दौड़ता है, फिर उसको बोलते हैं कि बताओ, सच्चाई बताओ, पानी उससे उतना ही दूर लेकर चले जाते हैं। इसी तरह मैंने केतु को देखा कि जिस भाव में पड़ा होता है, जातक अगर उस भाव की वस्तुएं और उस भाव के रिश्तेदारों के पीछे एक जुनून में भागेगा कि मेरे रिश्तेदारों से भी अच्छे संबंध रहे और मेरे पास सभी वस्तुएं भी हों, तो वो वस्तुएं जातक से उतनी ही दूर भागती हैं। अगर छोड़ देगा कि मुझे नहीं चाहिए, जे मैं इनके बिना ही खुशी से जी लूंगा, तो वो वस्तुएं दौड़ी दौड़ी
जातक के पास आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि उनको पाने से जातक को अधिक खुशी नहीं होगी। जब पीछे दौड़ रहा था तो उसका मन दुखी था उन वस्तुओं को पाने के लिए, लेकिन जब उसने अपना मन ही समझा लिया कि मुझे तो जरूरत ही नहीं है, तो वो वस्तुएं अपने आप जातक के पास दौड़ी चली आएंगी। आप प्रैक्टिकल अजमाकर देखिए, प्रत्येक भाव के बारे में मैं बता देता हूं। पहले भाव से शुरू करते हैं, केतु लगन में हो या पहले भाव में हो, कभी भी ये कोशिश नहीं करनी कि समाज में मेरी हैसियत हो, मेरा नाम हो। हैसियत के बारे में तो सोचना ही नहीं। सबसे जय सोचकर व्यवहार नहीं करना कि अगर मैं इससे अच्छा व्यवहार करूंगा तो मेरी समाज में इज्जत बढ़ेगी। अपना नॉर्मल बिहेवियर रखिए सबके साथ। सेहत थोड़ी सी खराब हो गई तो सोचते नहीं रह जाना क्यों हो गई, आगे क्या बनेगा, मुझे कुछ हो गया, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, तो फिर आप जल्दी स्वस्थ नहीं होंगे। हेयर स्टाइल, खासकर जो मेरे भाई अभी यंग एज के हैं, नया नया शौक होता है कि मैं अगर अपना हेयर स्टाइल चेंज करता रहूंगा तो लोग मुझे देखेंगे, मेरी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो भाई जितना हेयर स्टाइल चेंज करोगे, लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करोगे, उतना ही लोग आपको कहेंगे कि क्या बेवकूफी की है, ये सिर के बाल कैसे कटवा लिए। तो ये नहीं करना। जन्मभूमि से जितना प्यार रखोगे कि जहां जन्म हुआ है वहीं पर रहना है, कहीं दूर नहीं जाना, तो फिर तरक्की नहीं होगी। अपने ताया जी से उनकी सेवा करें, सत्कार करें, मगर ये रखोगे कि इनका बिहेवियर मेरे साथ अच्छा हो, तो जितनी कोशिश करोगे उतनी ही मानसिक चिंता में रहोगे। आपने अपना जो फर्ज था वो निभा दिया, आगे की चिंता बिल्कुल नहीं करनी। इसके अलावा घर की जो चार दीवारी है उसको अधिक सजाने वगैरह की कोशिश अगर करोगे, ये सोचकर कि लोग देखें कि ये मेरा घर है, तो फिर आपको उतना ही नुक्ताचीनी का सामना करना पड़ेगा। दूसरे भाव पर आते हैं। जब दूसरे भाव में केतु हो, स्वादिष्ट भोजन खाने का जब मन करेगा कि मुझे मिल जाए, किसी तरह ये चीज मिल जाए, आज बहुत दिल कर रहा है, आपको नहीं मिलेगी। मन में आए मुझे मिल जाए तो सोचना कि जब मिलेगी खा लेंगे, जो है वही खा लेते हैं, फिर आपको मिल जाएगी। अपनी प्रतिष्ठा, ये नहीं कि गलत काम करने हैं, कार्य अच्छे करने हैं, लेकिन प्रतिष्ठा की अधिक परवाह नहीं करनी। धन जोड़ने की चिंता नहीं करनी,
धन के पीछे नहीं भागना, कहीं थोड़ा नुकसान हो गया, 200-400 रुपए गिर गए, किसी ने ले लिए, सोचते रहना कि धन का नुकसान हो गया, और धन कहां से आए, और धन कहां से आए, फिर नहीं आएगा भाई धन आपके पास। धन को व्यर्थ खर्च भी नहीं करना और संचित करने की कोशिश भी नहीं करनी। फिर देखिए कैसे धन संचित होता है। वाणी नॉर्मल रूप से, जैसे हमारी भारतीय संस्कृति है, बड़ों का रिस्पेक्ट करो, छोटों से प्यार करो, उस तरह की वाणी बोलनी है। किसी को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देना, अपने पड़ोसियों से ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश मत करना, जैसे हो ठीक हो। ये मत सोचना कि कल कोई मुसीबत आ गई तो मेरा साथ देगा, पता नहीं नहीं देगा। इसी तरह जो आपके परिवार के लोग हैं, खानदान के लोग हैं, अपना फर्ज निभाइए, अपनी क्षमता के अनुसार जिनके काम आ सकते हैं उनके काम हमको आना चाहिए, समाज में रहते हैं। लेकिन ये मत सोचिए कि इससे मेरे संबंध अच्छे बने रहे, किसी ने आपके खिलाफ कोई छोटा मोटा षड्यंत्र रच लिया, घर में होता है चुगली कर दी, तो परेशानी की कोई बात नहीं, कर दी तो कर दी। नौकर चाकरों से अधिक रिस्पेक्ट मत चाहिए। दुनिया है, ये भी हमारे जैसे बंदे ही हैं, जितनी आपकी मान इज्जत करते हैं ठीक है। अगले भाव पर आते हैं, तीसरे भाव। तीसरे भाव में केतु हो भाई, परिश्रम मेहनत करने से कभी नहीं भागना। जितना भागोगे दुगनी मेहनत करनी पड़ेगी उस काम को करने के लिए। अपने जिम्मेदारी से जितना भागोगे दुगना समय देना पड़ेगा उस काम को करने के लिए। अगर अपने फर्ज से भागोगे तो समाज में, घर परिवार में आपको निंदा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए परिश्रम, जिम्मेदारी, फर्ज से बिल्कुल नहीं भागना। दूसरों की सहायता करनी है, ये सोचकर नहीं करनी कि कल को मेरी करेगा। आपकी क्षमता है तो कर दो, नहीं क्षमता है तो जाने दो। भाई बहन से जाके रिश्ते हैं, जितनी हम में क्षमता है उतना उनका करो। कोई आउटपुट की कामना रखकर कोई बात नहीं करनी। भाई बहन नाराज होते हैं बिना किसी मतलब के, आपकी कोई गलती नहीं है तो इसको अपने मन पर ना लगाएं, उनको जाने दें, अपने आप आएंगे आपके पास। यात्राएं करने से घबराना नहीं है, जितना यात्रा करने से आप थोड़ा डरोगे अंदर ही अंदर से, उतनी यात्राएं अधिक करनी पड़ेंगी। कोई व्यक्ति लगता हो कि आपसे शत्रुता कर रहा है, गुप्त शत्रु है, उसका ध्यान रखिए और उससे भागने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत कॉन्फिडेंस से उसका मुकाबला करें। घर की सुंदरता का होता है तीसरा भाव। घर अपना कितना भी सुंदर बना लेना, कोई ना कोई नुक्ता चीनी करेगा ही आकर। अगर
ये सोचकर सुंदर बनाओगे कि मैंने लोगों को दिखाना है, फिर तो भाई टेंशन में ही रहोगे। चौथे भाव पर आते हैं। चौथे भाव में केतु कामनाएं बिल्कुल नहीं रखनी, किसी के से कोई एक्सपेक्टेशन, किसी से कोई चाहत बिल्कुल नहीं रखनी। ये सोचना है अकेले आए थे, अकेले ही जाएंगे। इसके अलावा हार्ट डिजीज, दिल के रोगों के बारे में सावधानी बरतनी है, लेकिन चिंता नहीं करनी कि कहीं मुझे ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। इनके प्रति सुचेत रहना है, सैर वगैरह कीजिए, प्रॉपर ध्यान रखिए कि हार्ट की फंक्शनिंग ठीक है, दिल सही काम कर रहा है। अगर लगे कि कोई प्रॉब्लम है तो टेस्ट वगैरह करवाएं विदाउट एनी टेंशन। टेंशन नहीं लेनी, बिना टेंशन से टेस्ट वगैरह करवाएं और दवा खाते रहें और अपनी नॉर्मल लाइफ जिए। इसके अलावा माता को भगवान का दर्जा दिया तो हमने भी सेवा करनी है। जिन्होंने हमें जन्म दिया मगर हमारी सेवा से वो अगर खुश नहीं है तो भाई इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हमने अपनी ओर से पूरी सेवा कर दी। अब उनको नहीं पसंद आती या विचारों का कोई मतभेद है तो इसको अपने मन पर नहीं लगाना। इसी तरह अपने ससुर के साथ आपकी बात को काटते हैं तो क्यों काटा मेरी बात को, उन्होंने तो 5 मिनट के लिए आपकी बात काटी है, कोई अपने 50 दिन आपने खराब कर लिए सोच सोच कर। काट दिया तो काट दिया, कौन सा कोई बम जल गया। इसके अलावा मन की शांति बनी रहे तो सभी से इस तरह का व्यवहार करने की कोशिश करें कि इसके साथ झगड़ा ना हो जाए, कहीं मेरे मन की शांति खराब ना हो जाए, मेरा पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब ना हो जाए। इस बात को मन से निकाल देना। थोड़ा सा शांत मन रखकर भी जीना सीखिए, ध्यान वगैरह कीजिए। मकान प्रॉपर्टी बिल्कुल दिमाग से निकाल देना कि मैंने ये मकान बनाना है, ऐसा करना है, ये प्लॉट खरीदना है। देखिए कैसे आपका मकान बनता है, कैसे आपके पास प्लॉट आते हैं। अगर पैसे जोड़ोगे, प्लानिंग बनाते जाओगे कि वो भी लेना है प्लॉट, वो भी लेना है, फिर नहीं आएगा भाई। इसी तरह बहन जो है ठीक है, दोस्त ने बहुत अच्छी गाड़ी ले ली तो भाई ले ली, आपने अपने मन को दुखी नहीं करना कि मेरे पास बहुत अच्छा वाहन हो, फिर देखिए आपके पास कैसे वाहन आते हैं अच्छे अच्छे इसके अलावा बाग बगीचा घर में कईयों को शौक होता कि एंट्रेंस में ही इतने पौधे लगा दें कि जो भी आए वो पहले पौधों की तारीफ करे। अगर ये सोचकर बाग बगीचा बनाओगे तो भाई जो भी आएगा
सबसे पहले कोई ना कोई गलती ही निकालेगा। कोई बोलेगा आज एक जातक आए मेरे पास, मेरे मित्र थे, कहते जी मैंने तुलसी दाईं तरफ लगाई थी। कोई आया बोलता है जी इस डायरेक्शन में तो सही नहीं होती, मैंने तो बगीचा, मैंने कहा आपने बगीचा बनाया इसलिए कि लोग आपकी तारीफ करें, दिमाग में ये बात थी? कहते हाँ जी बात तो यही थी। मैंने कहा भाई फिर आपकी कोई तारीफ नहीं करेगा, मन से निकाल दीजिए, जो बना लिया अच्छा बना लिया। पंचम भाव पर आते हैं, संतान के प्रति फर्ज निभाएं, सेट करना है सेट कर दे, अधिक चिंता नहीं करनी। उनका अपना भाग्य है, अपने भाग्य से पैसे कमाएंगे, आपने सिर्फ अपना फर्ज पूरा करना है। किसी बच्चे ने चार शब्द गलत बोल दिए, मन बात को लगा ली, तो भाई ऐसा भी बिल्कुल नहीं करना। संतान के बारे में, उनके फ्यूचर के बारे में चिंता नहीं करनी। सेकंड, संतान आपकी सेवा करे ये बात मन में बिल्कुल नहीं रखनी। ईमानदारी का होता है पांचवा भाव, ईमानदारी करकर मेरा नाम बहुत हो ये बात मन में नहीं रखनी। ईमानदारी कर दी अच्छी बात है, लेकिन अगर ये सोचकर करोगे कि मेरा रुतबा बढ़ेगा, फिर तो जरूरत ही नहीं है ईमानदारी करने की। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि केतु पंचम में हो तो ईमानदारी का तो एक दिखावा ही होता है, क्योंकि राक्षस ग्रह जे हमारी बुद्धि के घर में आ गया, ईमानदारी पूरी तरह से हम कर ही नहीं सकते। तो अगर दिखावे के लिए ही करेंगे ये तो पक्की बात है, तो फिर दिखावा करना ही नहीं, तो आपकी समाज में अच्छी इज्जत मान रहेगी। एक बात का ध्यान रख लेना कि जब बेईमानी करनी हो किसी गरीब से, किसी जरूरतमंद से, उनसे बेईमानी मत करना। प्रेम संबंध में इस तरह अपने आप को शो करना कि मैं तो बहुत आइडियल हूं, और इस बात से घबराते रहना कि कहीं मेरा प्रेमी या प्रेमिका मुझसे दूर ना हो जाए। अगर ये सोचोगे कि मुझसे दूर ना हो जाए, पक्का दूर होगा। क्या सोचना है? तू नहीं तो कोई और सही, और नहीं तो कोई और सही। एक बच्चा आया, कोई 18-20 साल का होगा, कहता सर बहुत प्रॉब्लम में हूं। मैंने कहा भाई अभी तो तेरी उम्र इंजॉय करने की है, अभी से कौन सी प्रॉब्लम आ गई? कहता जी मेरी जो गर्लफ्रेंड है वो मुझे छोड़कर चली गई। मैंने कहा फिर क्या हो गया? एक फ्रेंड जाता है दूसरा फ्रेंड आता है। कहता जी मैं उसके बिना रह नहीं सकता। मैंने कहा ऑक्सीजन की सप्लाई तेरे शरीर में वही करती है कि नेचर करती है? कहता जी मैं, मेरा दिल तो खुदकशी करने का कर रहा। फिर मैंने उसको गुस्से से समझाया, गुस्से से जीवन की सच्चाई बताई और केतु के बारे में बताया कि अगर तू भागेगा तुझे कभी नहीं मिलेगी, दो कदम दूर गई है ना
तू चार कदम हो जा, फिर देख अपने आप के तेरे पास क्या दे आती है। और दूसरी बात, अभी तेरी उम्र है अपना कैरियर बनाने की, अपना जीवन संवारने की, इन चक्रों से दूर रह। और अगर पढ़ना है तो अपना मन, अपनी कंसंट्रेशन अच्छे कामों के लिए, जिससे तेरा भविष्य बने, उसके ऊपर भी लगा। तो भाई ऐसे ऐसी सिचुएशंस आती है कि जिसके पीछे भागते हैं वो बहुत दूर भागती है वस्तु। छठे भाव पर आते हैं, छठे भाव में केतु हो, शत्रु, मैं तो बहुत शरीफ हूं जी, मैं किसी से शत्रुता कर नहीं सकता, मेरा तो, मैं तो कांपने लग जाता हूं कोई ऊंची आवाज में मुझसे बात कर ले। अगर ये सोच रखोगे बिना मतलब के शत्रु आपके गले पड़ेंगे, वो भी एक इंसान है जो आपसे शत्रुता कर रहा है, आप भी एक इंसान हो, अपने आप को दृढ़ कीजिए, कोई बात नहीं देख लेंगे, फिर कोई नहीं शत्रुता करेगा आपसे। इसके अलावा ऋण लेना हो तो ये मत सोचिए कि इसके बिना अगर ये ना मिला तो मेरा काम ना हुआ तो मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा, कि एक ऋण नहीं मिला, एक लोन नहीं मिला, उसके कारण जीवन में एक काम नहीं हुआ तो मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा। भाई ये जो आपका जीवन है कोई 20-20 मैच तो है नहीं, इसलिए कोई कार्य अगर ऋण लेकर करना हो तो पहले ये सोचकर चले कि अगर मिल गया तो कर लेंगे, नहीं मिल गया तो कोई दूसरा देख लेंगे, उसमें क्या है, प्रेस्टीज इशू नहीं बनाना, काम करने से पहले ढोल नहीं पीटना, फिर थोड़ी प्रॉब्लम में फंसोगे। इसके अलावा मामा, मामी और मौसी, इनसे इज्जत कीजिए इनकी, लेकिन अगर आपसे कभी दूर के जाते हैं लाइफ में, आपको लगता है कि मैंने बहुत किया जो मेरा नहीं करते, तो जाने दीजिए। इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की, इनसे कोई शिकायत करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। इसके अलावा नौकरी पूरी कॉन्फिडेंस के साथ कीजिए, ये सोचकर नहीं करनी कि अगर नौकरी चली गई तो क्या होगा, भाई एक जाएगी दो आएंगी, कुदरत का उसूल है, जीवन में एक दरवाजा बंद होता है, दो दरवाजे खुलते हैं, तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको नौकरी करनी है। सप्तम भाव, जीवन साथी का भाव, जीवन साथी पति और पत्नी, प्रेम हद से अधिक हो जाए कि मैं इसके बिना जीवित नहीं रह सकता, इमोशनली आप बहुत अटैच हो जाओ, चार दिन बीबी मायके चली गई, चार दिन निकालने मुश्किल हो गए, तो भाई फिर आप फंसोगे। ठीक है, प्रेम होना चाहिए, बैलेंस रखिए, और
अगर इस तरह का प्रेम हुआ कि जी मेरा तो एक घंटा नहीं कटेगा इसके बिना, फिर घर में कला रहेगी, वैचारिक मतभेद रहेंगे, अनबन रहेगी। अगर ये सोचकर चलो कि जो भी गुण है, जो भी दोष है, अब अगले पिछले जन्म का संबंध है, कर्जा वो तो देना है, और खुशी से, इंजॉयमेंट से एक दूसरे के साथ रहो, और इतना प्रेम ना करो कि जुनून ही हो जाए। मैं तो रह ही नहीं सकता एक मिनट भी, तो वो प्रॉब्लम करेगा, फिर आप में दूरियां बढ़ेंगी और मानसिक चिंता भी बढ़ेगी। इसके अलावा जीवन में सेक्स की अधिक चाह नहीं रखनी, अगर रखोगे तो आपकी पावर कम हो जाएगी। अपनी बहन से अच्छे संबंध रखें, मगर उससे कोई आउटपुट की उम्मीद नहीं रखनी कि ये मेरा ये करेगी वो करेगी, नहीं किया तो ना थी, आपने अपना फर्ज पूरा कर दिया, इट्स ओके। उसके बाद आपकी बहन की इच्छा है, अगर आपके पास आती है तो ठीक है, दूर जाती है तो जाने दीजिए। कोर्ट केस, थाने में कोई झगड़ा चला जाए, बिल्कुल नहीं घबराना, जितना घबराओगे उतने झगड़े अधिक थाने में जाएंगे, उतने कोर्ट केस अधिक होंगे, मन मजबूत कर देख लेंगे जो होगा। इसके अलावा अगर कोई कार्य आप साझेदारी में करते हो, उसको खत्म करना हो तो बिल्कुल एकदम खत्म नहीं करना, धीरे धीरे कर खत्म करना है, सोच समझ कर अपनी साझेदारी खत्म करनी है, अगर आपको लगे कि मुझे इससे नुकसान हो रहा है। अष्टम भाव पर आते हैं, अष्टम भाव में केतु हो, मुसीबतें ना आ जाए जिंदगी में, 6 महीने बाद कोई प्रॉब्लम आनी है उसकी चिंता आज से ही शुरू कर दी। मुसीबतों से बिल्कुल नहीं घबराना। दूसरा, ये नहीं सोचना कि मेरा मकान बहुत अच्छी लोकेलिटी में हो, उसकी लोकेशन बहुत अच्छी हो तो मुसीबतें भी नहीं आएंगी, आपका मकान भी बहुत अच्छी लोकेशन पर, बहुत अच्छी जगह पर होगा। जीवन में अचानक बहुत लाभ होंगे अगर केतु शुभ पड़ाओ, अगर सोचते रहे कि ससुराल से भी लाभ हो जाए, पैतृक संपत्ति भी मिल जाए, कितनी मिलेगी, मैं क्या करूंगा, बस मिलने ही वाली है, अगर ये बातें मन में आती रहेंगी फिर वही अचानक लाभ दूर भागते जाएंगे, कभी सोचो ही मत। अचानक लाभ का क्या मतलब, जो बिना सोचे हो, किसी जगह से थोड़ी बहुत उम्मीद रखनी ही नहीं, अगर पता भी हो कि जहां से मिलेगा तो तब भी उसके बारे में सोचना ही नहीं, देखिए कितनी जल्दी आपका काम होता है। अगर जोड़ घटाओ के चक्कर में फंस गए फिर डिले होती चली जाएगी। 9th हाउस पर आते हैं, नवम भाव में केतु हो, भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा, मेरे साथ के मित्र तो इतनी अच्छी पोजीशन पर सेट हो गए, पता नहीं भाग्य मेरा साथ क्यों नहीं दे रहा।
भाग्य का साथ का सहारा त्याग दीजिए, मेहनत कीजिए और ये सोचकर मेहनत कीजिए कि भाग्य को मेरा साथ देना ही पड़ेगा, तो देखिए अचानक भाग्य आपका साथ देगा। अगर भाग्य के भरोसे कोई कार्य करोगे फिर भाग्य भी दूर भागेगा। पहले मेहनत कीजिए, दिन रात एक कर दीजिए। दो जाति डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा कि सपने वो नहीं होते जो नींद में आते हैं, सपने वो होते हैं जो रात को सोने नहीं देते। तो सपने आते रखिए, देखिए भाग्य कैसे आपका साथ देता है। परोपकार धार्मिक ये जो बातें हैं अगर दिखावे के लिए करोगे, सुबह मंदिर चलिए घंटी बजाते रहे और भगवान को भी ऐसे दबाते हैं कि पता नहीं क्या निकाल लेंगे, जो मूर्तियां होती हैं भगवान जी की, दिखावा, तो उसका फल आपको नेगेटिव ही मिलेगा। जो नौवा भाव है धर्म का भाव है, धर्म क्या सिखाता है, कोई भी धर्म है, जरूरतमंदों की गरीबों की सेवा करनी, बीमारों का इलाज करवाना, जरूरत के समय किसी की सहायता करनी। एक बात का और ध्यान रखिए, नवम भाव में केतु आ जाए, कुछ नौजवानों को विदेश जाने का भूत सवार हो जाता है कि मैंने विदेश जाना है। विदेश चले जाएंगे आप, लेकिन भूत मत सवार कीजिए कि कल ही पहुंच जाऊं, फिर आपका काम डिले से बनेगा। प्रकृति पर छोड़िए, नेचर पर छोड़िए, आपका काम बहुत आसानी से बन जाएगा। बदनामी का डर बिल्कुल मत रखिए, अच्छा काम कीजिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, आप कामयाब होगे लाइफ में। इसके अलावा अपने भाई बहनोई और साले, इनके साथ जैसे हमारा फर्ज है हम पूरा करेंगे, कोई लालच नहीं रखना। ये हमें धोखा देते हैं या जो हम चाहते हैं उसके अनुसार नहीं चलते, तो ज्यादा सोचना नहीं, इनको अपने ढंग से चलने दीजिए। कोशिश भी नहीं करनी कि हमारे ढंग से चलें, कोई नुक्ताचीनी नहीं करनी, इनको अपने ढंग से चलने दीजिए, फिर देखिए आपके नजदीक कैसे आते हैं। दसवें भाव पे आते हैं, दसम भाव में केतु हो तो कर्म करने से कर्म योगी बनिए, वर्क इज वॉरशिप। अगर ये प्रिंसिपल होगा जवानी में तो बहुत तरक्की करेंगे, फिर बुढ़ापे में इज्जत ही इज्जत। पिता के धन का लालच नहीं रखना, अपर्याप्त मिल जाएगा। होशियारी भी करनी पड़ेगी, चालाकी भी करनी पड़ेगी, धोखा भी देना पड़ेगा। और दोगे दसम केतु पड़ा तभी अपने रोजगार में आपको सफलता मिलेगी। तो दिमाग में ये धारा मत रखना कि लोग मुझे बहुत शरीफ कहें, कि इसके जैसा तो कोई बंदा ही नहीं है। भाई हम गलत कार्य कर रहे हैं, होशियारी कर रहे हैं, चलाकियां कर रहे हैं, तो कर रहे हैं। हमारा काम
इसके बिना नहीं चलता, कुछ हद तक हमें करनी पड़ती है। कलयुग है, आसपास का माहौल ऐसा है, ठीक है हम करते हैं, मगर अपने मन में ये नहीं रखना कि दूसरे कहे कि ये बहुत अच्छा बंदा है। जो कहते हैं उनको फिर कहने दीजिए। अगर अच्छे होने की आपकी मन की लालसा खत्म हो जाएगी तो दुनिया में आप अच्छा ही बनोगे। इसके अलावा सरकारी शक्ति मुझे बड़ी मिल जाए, राजनीति में हो तो मुझे जे पावर मिल जाए, वो ओहदा मिल जाए। इन बातों की अधिक चिंता नहीं करनी तो भाई अपने आप आपको सब कुछ मिल जाएगा। सॉरी, नेक्स्ट भाव पर आते हैं, ग्यारहवें भाव पर, हाउस ऑफ इनकम एंड हाउस ऑफ डिजायर्स। ठीक है, बिना आमदनी के गुजारा नहीं होता, लेकिन पूरा दिन रात यही सोचते रहे पैसे कहां से आए, लाभ कहां से हो, तो फिर भाई अपनी सेहत का नुकसान करवा लेना। लाभ तो जितना होना था उतना ही होगा, लेकिन जो आपकी आमदनी है उसमें कमी आएगी। इसलिए कर्म करना है, मगर दिन रात ये नहीं सोचते रहना कि आमदनी कहां से आएगी। अपना मित्र सोशल सर्कल बड़ा बनाने की कोशिश कीजिए, लेकिन कोई मित्र नाराज हो जाए, कोई मित्र आपसे रूठ जाए, तो भाई उसको जाने दीजिए, उसके पीछे नहीं जाना, मनाना नहीं है उसको, अपने आप आपके पास आ जाएगा। इसी तरह अपने दामाद और पुत्र वधू अपना फर्ज निभाइए, बहू को बेटी की तरह रखे, आपसे दूर जाती है तो जाने दीजिए। बहने कहती है जी हमारा तो बुढ़ापा रुल गया, हमारी तो बहू ही ऐसी आ गई। मैंने कहा भाई आपका बुढ़ापा ईश्वर ने देखना है, आपकी बहू ने नहीं देखना। आप उसको अपनी बेटी की तरह रखिए, आगे उसकी मर्जी, जैसे कर्म करती है वैसे भुगतेगी। इसलिए बहू और दामाद अपना फर्ज निभाइए, अगर रूठते हैं तो जाने दीजिए। ज्यादा मन में बात लगाने की जरूरत नहीं है। आखिरी भाव आ गया बारहवां, उस पर भी चर्चा करते हैं जल्दी से। मोक्ष का भाव है, परमात्मा की प्राप्ति का भाव है, तो अगर सभी काम छोड़कर परमात्मा को पाने में बैठ गए, फिर परमात्मा नहीं प्राप्त होगा। अगर बारहवें भाव में केतु हो, कार्य करते समय अच्छा काम करें, जरूरतमंदों की सहायता करें, परोपकार करें, दान पुण्य अच्छा करें, बीमारों की सेवा करें, कोई मर रहा हो पशु या मनुष्य उसको बचाने की कोशिश करें, फिर आपका ध्यान परमात्मा में भी लगेगा और मोक्ष भी प्राप्त होगा। घर में कोई आ जाए उसकी इज्जत करें, लेकिन कई बार कुछ ऐसे लोग भी आ जाते हैं जिन्होंने नाराज होकर ही जाना होता है आपसे, तो उनको जाने दीजिए। ये मत सोचिए कि मेरे घर से कोई नाराज होकर ना जाए,
जिसने जाना है चला जाए। इसके अलावा बाद में केतु हो जन्म भूमि से दूर कार्य करे तो जन्म भूमि से अटैचमेंट बिल्कुल निकाल दें कि शरीर तो दूर है जन्म भूमि से, जब फौरन में काम करते हो लेकिन आत्मा वही बैठी है। छोड़ दिया तो छोड़ दिया, जहां बस गए वही आपकी जन्म भूमि, वहीं पर आप पूरी मेहनत से कार्य कीजिए। और जीवन में कई बार थोड़ा बहुत अधिक खर्चा भी हो जाता है, अगर गिनते रहे कि इतने पैसे वहां लग गए इतने जहां लग गए तो फिर खर्चे और बढ़ेंगे। खर्चे हो जाए तो अधिक चिंता नहीं करनी। तो भाई ये तो मेरा वीडियो था केतु के ऊपर कि केतु जिस भाव में भी होता है अगर उस भाव की वस्तुओं के पीछे भागते रहेंगे कभी नहीं प्राप्त होंगी। उनका मोह छोड़िए, अपने आप आपके पास वस्तुएं आएंगी। आपने अपना इतना कीमती समय निकालकर ये वीडियो देखा, मैं तहे दिल से आपका आभारी हूँ। थैंक्स।